ड्रैकुला ये कैरेक्टर काफी फेमस है और इस पे बनने वाले कंटेंट हमने काफी देख रखे हैं। ये कैरेक्टर कभी पॉजिटिव दिखाया जाता है तो कभी नेगेटिव, जिसके कारण हमें इसे जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। ये कैरेक्टर कभी हमें पॉजिटिव में दिखता है तो कभी नेगेटिव में, जिस कारण ये कैरेक्टर अपनी एक अलग लेवल की एक पहचान बनाता है, जिससे इसे देखने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। ऐसी नेटफ्लिक्स का रिसेंटली रिलीज हुआ शो जिसका नाम है ड्रैकुला, क्या हमें कुछ नया बताने में कामयाब होता है या नहीं, या हमें कुछ नई चीज़ें दिखाता भी है कि नहीं, ये चीज़ें हम आज इस रिव्यू में जानेंगे काफ़ी सारे डिस्कशन के साथ और रिव्यू के साथ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। समय मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना कभी अच्छी लगे तो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ड्रैकुला ये नाम हमने पहले भी कई बार सुन रखा है और इस पे बने काफ़ी सारे कंटेंट हमने पहले भी देख चुके हैं। रिसेंटली रिलीज हुआ नेटफ्लिक्स का ये शो क्या इंटरेस्टिंग है या नहीं, चलिए आज अपने डिस्कशन में इसे शुरू करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले गाइस इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसके टोटल 3 एपिसोड है और पहले एपिसोड की लेंथ है 1 आवर 29 मिनट्स, सेकेंड एपिसोड की लेंथ है 1 आवर 28 मिनट्स और थर्ड एपिसोड की लेंथ है 1 आवर 31 मिनट्स। और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 की है और रोटेन टमेटो रेटिंग इसकी 71% की है। और ये रिलीज़ हुआ था नेटफ्लिक्स पे 1 जनवरी 2020 को और इसका थर्ड एपिसोड आया था 3 जनवरी 2020 को। तो चलिए अब बात करते हैं शो के बारे में। हम जब भी किसी एक कैरेक्टर या किसी एक टॉपिक पे मूवी बनते हुए देखते हैं या शो बनते हुए देखते हैं तो हर बार हम उससे कुछ नया एक्सपेक्ट करते हैं। इन्हीं सारी बातों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस बार बनने वाला ये शो हमें कुछ नया देता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ड्रैकुला हमें इस बार बहुत सारी चीज़ें नहीं देता है और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं बताता भी है, जिससे ये शो देखने का मज़ा आपका दुगना हो जाता है। बात करें ड्रैकुला के कुछ पुराने कंटेंट की तो पुराने कंटेंट में ड्रैकुला कभी नेगेटिव में दिखता है तो कभी पॉजिटिव में। और बात करें इस शो की तो इस शो में आपको दोनों का मजा मिलता है। ड्रैकुला कभी आपको पॉजिटिव रोल में दिखता है तो कभी नेगेटिव में, जिससे ये शो देखने का मज़ा आपका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, कहने को तो इसकी स्टोरी काफ़ी सिंपल है बट आपको इसे पूरा देखना पड़ता है बिल्कुल एक एक पॉइंट को, नहीं तो ये शो बिल्कुल उलझ के रह जाता है बीच में। आपको इसको पहले एपिसोड से लेके थर्ड एपिसोड को पूरा देखना पड़ेगा जब जाके ड्रैकुला की ये नई सीरीज आपको समझ में आएगी। बात करें इसकी स्टोरी की थोड़ी बहुत, तो ड्रैकुला हंगरी से ड्रैकुला का सफ़र शुरू होता है तो वो इंग्लैंड जाना चाहता है। इंग्लैंड में उसे काफ़ी नए लोग मिलेंगे और काफ़ी स्मार्ट लोग मिलेंगे, जिससे ड्रैकुला उनका खून पीना चाहता है और कुछ अपने आप में अपग्रेड करना चाहता है। इसी अपग्रेड होने वाली प्रोसेस में ऑलमोस्ट हमें 3 एपिसोड देखने को मिलते हैं इस सीरीज में। पहले एपिसोड में ऑलमोस्ट ड्रैकुला पे फोकस करा जाता है और ड्रैकुला के अलावा जोनाथन नाम के एक लॉयर पे फोकस करा जाता है। और सेकेंड एपिसोड में सिस्टर एगेथा वैन हेल्सिंग पे करा जाता है फोकस और थर्ड एपिसोड में लूसी पे। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट सीरियस पॉइंट इसमें दिखाया गया है कि कैसे ड्रैकुला अपनी जर्नी को ट्रैवल करते हुए इंग्लैंड पहुंचता है और काफ़ी कुछ देखने को मिलता है इस जर्नी में हमें। बात करें सीजन में कैरेक्टर्स की तो कैरेक्टर्स में ड्रैकुला के अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है सिस्टर एगेथा वैन हेल्सिंग। इससे पहले वैन हेल्सिंग का हमने मेल वर्जन देखा था ह्यूग जैकमैन के रोल का और इस सीजन में हमने देखा है डॉली वेल्से का रोल। दोनों ही अपने आप में अच्छे एक्टर्स हैं और उनने अपने अपने परफॉर्मेंस में जान डाली है और इस सीज़न में ये कैरेक्टर आपको काफ़ी इम्प्रेस करता है, बट फीमेल कैरेक्टर है बट आपको इम्प्रेस करने में कामयाब होता है। बात करें अदर कैरेक्टर्स की तो आपको पहले एपिसोड में एक कैरेक्टर देखने को मिलता है लॉयर जोनाथन का, जो मतलब पहले एपिसोड में ऑलमोस्ट उसी पर फोकस कर गया है और ड्रैकुला पे। और सेकेंड एपिसोड में आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे एक डॉक्टर का एक LGBT कैरेक्टर देखने को मिलता है और एक मतलब
ओल्ड लेडी का कैरेक्टर देखने को मिलता है। और बात करें थर्ड एपिसोड की, तो थर्ड एपिसोड में एक लूसी नाम की कैरेक्टर देखने को मिलती है, जो ऑलमोस्ट हमें ऐसा प्रिटेंड किया जाता है जैसे कि वो ड्रैकुला की लव इंटरेस्ट है। और एक डॉक्टर जॉन नाम के कैरेक्टर को देखने को मिलता है। ये सारे कैरेक्टर अच्छे प्ले करे गए हैं और आपको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं ये सारे कैरेक्टर्स। बात करें इस सीज़न की, तो इस सीज़न के सारे एपिसोड अपने आप में कनेक्टेड, कहने को तो कनेक्टेड है, पर उनकी सारी स्टोरी अपनी लाइन पे अलग चलती है, जिससे हमें देखने को मजबूर करते हैं इसके सारे एपिसोड। इसके पहले से लेके थर्ड एपिसोड अपने आप में ही सब अलग अलग प्ले होते हैं, बट वो अपने आप में कनेक्ट बनाए रखते हैं, जिसके कारण हमें इसके तीनों एपिसोड देखना पड़ते हैं। बात करें तीनों एपिसोड्स की, तो शुरू के दो एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट के एपिसोड भी इंटरेस्टिंग है, बट वो आपका दिमाग ख़राब कर देता है एंड तक आते आते, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। इसी कन्फ्यूज़न को जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर देखना पड़ेगा ड्रैकुला की ये मिनी वेब सीरीज़, और इसलिए मैंने ये रिव्यू करा है कि आप इसे आराम से देख पाओ, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी स्पॉयलर कमी दी है, जिससे आपको ये शो देखने में काफ़ी आसानी होगी और बिल्कुल ना के बराबर स्पॉइल कर रहा है। तो इसे आप चाहिए और देखिए नेटफ्लिक्स पर।